ये आ जाओ नाना जी, आपकी बारी, ये खाओ। अरे शिट, थोड़ा सा लेट हो गया यार मैं, थोड़ा सा लेट हो गया बस। शिट, मेरे हिसाब से मुझे इस टाइप से वेट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे की तरफ चलना चाहिए। बट आगे की तरफ जाके करूंगा भी क्या, मेरे ऊपर की तो तरफ जो चाबी पड़ी है मेरी। अरे यार, एक सेकेंड। नानी नानी नानी, शिट 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 शिट, बुढ़ा ना हो रहा हो, यहाँ से नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था भाई। हुआ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच ई ऑन गेमिंग में। तो आज भाई यहाँ पर हम फिर से खेलने वाले हैं अपना नानी वाला गेम, यानी कि अपना नानी और नाना जी वाला जो गेम है, आज भी हम यहाँ पे फिर से खेलने वाले हैं। और आज इस गेम में यहाँ पे हम करने वाले हैं हेलीकॉप्टर एस्केप, क्योंकि यहाँ पे इस गेम में हमने दो एस्केप जो है ऑलरेडी कर ली है। सबसे पहला होता है फ्रंट डोर एस्केप, और ये दूसरा एस्केप था वो था बोट एस्केप। अगर आपने ये दोनों वीडियो है वो नहीं देखी है तो जाके जल्दी चैनल पे जाके इन दोनों वीडियो को जो है देख लो, जिससे कि आपको इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत जो है पता चली जाएगा। बट मुझे पता है आपको इस गेम के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा, क्योंकि आपने शायद से इस गेम को अभी खेल लिया होगा अपने स्मार्टफोन पे। बट अगर आपने हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं जो है हेलीकॉप्टर एस्केप करने वाला हूँ। और आज जो है इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हेलीकॉप्टर एस्केप जो है नानी वाले गेम का सबसे ज्यादा खतरनाक जो है एस्केप होने वाला है। इसके अलावा इस गेम का जो नाम है वो है ग्रैनी चैप्टर 2, क्योंकि ग्रैनी जो चैप्टर 1 है वो तो हमने ऑलरेडी कब का खत्म कर लिया है। तो फटाफट इस गेम को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो डे 1 है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने अपना हेडफोन या फिर ईयरफोन नहीं लगाया ना, जल्दी से अपना हेडफोन या फिर जो ईयरफोन है वो यहाँ पे लगा लो, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। खैर, लास्ट वाला एपिसोड जो था ना इसका बोट एस्केप, उसमें ना मैंने डार्क वाला जो मोड है वो ऑन करके खेला था। बट डार्क वाले बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा तो बहुत आया था, क्योंकि जो ग्रैनी है ना और जो ग्रैंडपा है वो एकदम से मेरे आंखों के सामने आ जा रहे थे। बट अभी ना मैंने डार्क मोड जो है ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये वाला जो हेलीकॉप्टर वाला जो टास्क है ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और पता नहीं दोनों के दोनों किधर है, मेरे हिसाब से दोनों के दोनों जो है ऊपर की तरफ ही फिर रहे होंगे, क्योंकि नीचे की तरफ तो वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई दे नहीं रहा है। एक सेकेंड, मुझे आवाज़ आ रही किसी की, मुझे आवाज़ आ रही किसी की, मैं छुप जाता हूँ फिलहाल के लिए इसमें। और पता नहीं ये जो गेम है आज एकदम थोड़ा सा चिपक चिपक रहा है, बट कभी लैग तो करता नहीं है, लैग करेगा भी कैसे, पता नहीं गेम का कोई कुछ ग्लिच वगैरह होगा कंट्रोल्स का। अभी अगर मैं ऐसे बैठा रहा ना तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो गेम है यानी कि जो एस्केप है वो मैं ख़त्म कर पाऊँगा। ऑल राइट, तो यहाँ का जो दरवाज़ा है यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे यहाँ पर एक काम करता हूँ, शॉटगन निकाल लूँ क्या? शॉटगन के लिए यहाँ पर मुझे जो सेफ है वो चाहिए पड़ेगी, और जो सेफ है उसके लिए मुझे यहाँ पे, एक सेकेंड, नानी जो है यहाँ पर आ गई है, मतलब आवाज़ सुनी और नानी यहाँ पर आ गई। मैं यही चाह रहा था कि जो नानी है ना वो यहाँ पर आ जाए, और जो नानी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है मेरे बिना बुलाए। तो फटाफट से इसमें जो है दुब जाता हूँ मैं, मुझे देख तो नहीं पाएगी वो यहाँ पर, क्या फिर हो सकता है देख लिया हो, देख लिया हो तो अभी गेट खोल के एकदम मारेगी मुझे भयंकर वाला। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि उसने जो है मुझे देख लिया है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठा रहता हूँ। ऑल राइट, वो यहाँ पे जो है आराम से निकल गई है, हंसती भी कैसे है की 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 की। ऑल राइट, तो यहाँ से निकल तो गई है, तो मैं भी यहाँ से जो है निकल लेता हूँ पतली गली से। पता नहीं मैं किधर गई है, एक सेकेंड, वो यहाँ पर कौन था भाई? नाना जी होंगे 100%। ऑल राइट, नाना जी हैं यहाँ पर। ये पता नहीं क्या हो गया कंट्रोल्स को भी, लाइक लास्ट वाले एपिसोड में मस्त चल रहे थे। नानी तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल्स को क्या हो गया भाई, कंट्रोल्स क्यों नहीं काम कर रहे? ठीक है, नाना जी जो है मेरे हिसाब से आगे की तरफ जा चुके हैं, और मैं जो है इसके नीचे दुबक जाता हूँ। और यहाँ पर जो एक पेंटिंग का पीस है ये भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। लास्ट वाले एपिसोड में ना जब मैं एक्टिक वाले रूम में गया हुआ था ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे जो है एक दरवाज़ा था जो कि मेरे हिसाब से पेंटिंग लगा के खुलेगा। तो आज यहाँ पे ना मैं पेंटिंग वगैरह लगा दूंगा वहाँ पे, जिससे कि वो जो है ओपन हो जाए। और एक पेंटिंग का जो पीस है वो तो यहीं पर पड़ा हुआ है, और जो सेकंड वाला जो पेंटिंग का पीस है ना वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। तो मुझे ना यहाँ पर जाना है इस जाली में, बट उससे पहले मैं इस दरवाजे को लगा दूंगा। अभी सही है, अभी इसको कोशिश करता हूँ खोलने की। इसे पता नहीं ये ग्लिच है इस माली ट्रैप डोर में, और जो ग्लिच है वो ये है कि अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी जो उसकी जाली लगी है ना, ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। मैं यहाँ पे आवाज़ तो नहीं करूँगा, अरे हो जाना गायब, अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। ऑल राइट, गायब हो गई, अभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ आराम से। और सबसे पहले ना जो स्टन गन है ना वो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि स्टन गन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा काम किया। अभी देखो फिर से ग्लिच हो गया, फिर से वापस से बहुत ग्लिच हो रहा है इसमें, पता नहीं इतना ग्लिच क्यों हो रहा है। चलो अभी फटाफट इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है गाड़ी की आवाज़ जो है मुझे आ चुकी है, और यहाँ पर तो फिलहाल कोई नहीं है।
चलो स्टन गन जो है मुझे किधर मिली थी लास्ट टाइम, हाँ वो वाले कमरे में मिली हुई थी, तो इस बार भी अगर उसी कमरे में मिल जाए तो यहाँ पर जो है सोने पे सुहागा हो जाए, इसका अच्छा ग्लिच है। एक काम करता हूँ, उससे पहले ना इसको उठा के दोनों को यहाँ बुला लूँगा। एक सेकेंड, नानी ना यहाँ पे आई हुई थी 100% वो यहाँ पे आई हुई थी, जिससे क्योंकि ये गेट लगे हुए थे और यहाँ पर खुल चुके। एक सेकेंड, सामने भी कोई था अभी, सामने है 100% जो है वही होने वाली है, और तो यहाँ पे कोई होने नहीं वाला। तो एक काम करता हूँ फटाफट से ना अपनी जो गन है वो यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ आराम आराम। तो एक सेकेंड, नानी जो है यहाँ पर है, शेट 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 शेट, एक सेकेंड, वो यहाँ नीचे नहीं आ सकती। बहुत बहुत सेफ हूँ मैं कि वो यहाँ नीचे नहीं आ सकती, बस नीचे ना आए ना तो बढ़िया है। मत आ, निकल जाए इधर से। अगर नाना जी होते ना तो वो नाना जी यहाँ पे नीचे झुक जाते, क्योंकि क्या है नानी की कमर में दर्द है, इसी चक्कर में वो यहाँ पे ना नीचे की तरफ झुक नहीं पाती हैं। ऑल राइट, गई सेकेंड, मुझे एकदम संभाल संभाल के जाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है उस वाले रूम में चली गई है, अभी फटाफट इस वाले रूम में जाके ना वाली जो स्टन गन है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं ना कोई भी जो है मुझे मार नहीं पाएगा। ऑल राइट, ये रही, चलो चलो चलो। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी की भी ले ली होगी नाना जी से, तो नाना जी को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा पहले मुझे। नाना जी ये रहे, आ जाओ नाना जी, अपनी बस मुझे ये दे जाओ क्योंकि नानी भी अभी यहीं होगी। हेलो नानी, नानी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकंड, नानी भी आ गई, आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ ये खाओ और मेरा ये दे जाओ, बस अब मेरा जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है। किधर गई, ये रही मेरी एमओ और नाना जी की इससे चाबी, और सिक्योरिटी गेट ओपन हो चुका है। चलो ये फटाफट से ऊपर की तरफ जाने से पहले ना यहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह ना वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पेंटिंग वगैरह कहाँ थी, ये वाले रूम में थी ना। एक सेकंड, मैं यहाँ एकदम बच बच के जाऊँगा। ठीक है, मैं पेंटिंग मेरे हिसाब से मैं इतनी जल्दी लगा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ सारी की सारी जो पेंटिंग है ये फेंक देता हूँ, यहाँ फेंक दूँ। ठीक है, यहाँ फेंक देता हूँ और यहाँ चलता हूँ नीचे की तरफ। नानी भी जो है गायब हो चुकी हैं, ये जो स्टन गन है ना वो मैं रखता हूँ यहाँ पे, और अभी नीचे की तरफ चलता हूँ। एक और जो पेंटिंग का पीस है वो यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ा हुआ था। ऑल राइट, दो मिनट में मुझे सारा का सारा जो काम है वो यहाँ पे करना है, और दो मिनट मेरे हिसाब से होने वाले हैं। किधर गई, यहाँ था ना पेंटिंग का पीस, अरे यहीं तो था यार, अभी गायब ही हो गया यार। ऑल राइट, ये तो हेलीकॉप्टर की है, इसको भी मैं लेके चलता हूँ, काम में आएगी बाद में। अरे यार यही तो था यार, मैंने यही तो देखा था यार पेंटिंग का पीस, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, ऊपर जाके देखता हूँ यहाँ पर पड़ा क्या रहा है, फालतू में चमक रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो चाबी पड़ी हुई है, एक सेकंड, ये रहा पेंटिंग का पीस एक और, इसको यहाँ फेंकता हूँ मैं। इस पेंटिंग को पीस को उठा के लेके चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ, ये पड़ा यहाँ पे, वापस से नीचे। तीसरा पेंटिंग का पीस पता नहीं कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा क्या, यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं पेंटिंग का पीस जो है मुझे एक्चुअली में चारों के चारों मिले भी नहीं है। ग्लास फ्यूज़, इसका ही पता नहीं कुछ ना कुछ काम होगा, इसको भी जो है मैं यहीं पर डाल देता हूँ। इस शॉर्ट गन को उठा लेता हूँ अभी मैं, मतलब स्टन गन को उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी वो ना कहीं से भी आ सकते, क्योंकि दो मिनट मेरे हिसाब से हो गए होंगे और मुझे ना अभी तक वो नहीं मिला हुआ है, मतलब पेंटिंग का पीस यहाँ पर भी नहीं है। इसमें देखूँ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर भी। अभी बस मुझे ध्यान रखना होगा उन दोनों का, यहाँ के टक ये तो वो डला हुआ है। ठीक है, यहाँ का पेंटिंग का पीस मैंने उठा लिया था, इसके ऊपर कुछ पड़ा नहीं है, सामने की तरफ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इनके अंदर होगा शायद। वैसे पेंटिंग के पीस ना इनके अंदर ऐसे मिलते नहीं है, मुझे अब तक एक भी बार पेंटिंग के पीस ना इनके अंदर नहीं मिले। वैसे मैंने अभी पूरे ना पूरी तरीके से ढूंढे भी नहीं है, पता नहीं कितने पेंटिंग के पीस जो है लगते होंगे, दो तो नहीं लगते होंगे इतना तो मुझे पता है, कम से कम तीन तो लगते ही होंगे। ऑल राइट, यहाँ पर हेलीकॉप्टर मैनुअल पड़ी और नानी जी आ गई, अगर नानी जी आ गई तो नाना जी भी आते ही होंगे, आ गए नाना जी भी आ गए। शेट, आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ सबसे पहले, तो आ जाओ तुम, ये खाओ, ये आ जाओ नाना जी आपकी बारी, ये खाओ। अरे शेट, थोड़ा सा लेट हो गया यार मैं, थोड़ा सा लेट हो गया बस, शेट कोई दिक्कत नहीं, मेरी संगन जो है वही पड़ी हुई है, और यहाँ पर जो डेट हुआ है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पेंटिंग के जो पीस है वो मुझे अब तक मिल ही रहे हैं, दो ही मिले हुए हैं, तो मुझे ना ये वाला जो बेसमेंट है ना इसको भी ज़रा चेक कर लेना होगा दूसरे वाले उसके लिए। थोड़ी सी देर कर दिया यार मैंने, थोड़ा सा जल्दी करता ना तो यहाँ पर वाला जो पेंटिंग का पीस है वो मुझे मिल जाता। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से नहीं होगा,
यहाँ पर पेंटिंग का पीस क्या करेगा? नाना जी जो है यहाँ अपना पेंटिंग का पीस क्यों छोड़ेंगे? चलो अभी रास्ते में ना मिल जाए, बस मुझे बस मेरी स्टन गन मिल जाए। एक सेकंड, नानी है यहाँ पे। शेट 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 शेट, अरे यार मुझे ध्यान देना चाहिए था, वहाँ पे वो घंटी बजी हुई थी। अरे ऑल राइट, तो यहाँ पर जो डे 3 है ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो है मुझे थोड़ा सा जल्दी जाके अपनी जो स्टन गन है ये यहाँ पे ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने ग्रैंडपा है ना वो यहाँ पे ऊपर की तरफ कैमरे में झांकने में लगे हुए हैं। ग्रैनी अब नहीं यार, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब आ जाओ, अब आ जाओ, तुम्हारी ऐसे कम तैसी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तेरी तो निकल इधर से। अभी ग्रैंडपा को भी एक शॉट देके आता हूँ, उसके बाद जो मैं अपनी पेंटिंग वगैरह ढूंढूंगा, क्योंकि इतनी आसानी से जो पेंटिंग है वो यहाँ पे मिलने नहीं वाली। अरे हटना नानी यार, ग्रैंडपा किधर होंगे? हेलो ग्रैंडपा, इसमें नहीं है, एक सेकंड, ये रहे ग्रैंडपा, आ जाओ। अब यार तुम बस थोड़ा सा शांति रखो, मुझे मेरा काम कर लेने दो, मुझे पेंटिंग के पीस ढूंढ लेने दो। पेंटिंग के पीस किधर हैं? यहाँ तो होंगे नहीं ना पेंटिंग के पीस, ज़रा मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पर थे नहीं पेंटिंग के पीस, एक बार नीचे चलकर देखता हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ तो मैंने दो पेंटिंग के पीस ऑलरेडी डाले हुए हैं, इस बार ना मैं कोई गलती नहीं करूँगा। इसमें भी नहीं थे ना, नीचे की तरफ ही जाके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एकदम छान मारा था, यहाँ पर तो कोई भी एक भी जो पेंटिंग का पीस है वो नहीं मिला हुआ था। इसके अंदर डक्ट टेप है, वैसे डक्ट टेप का भी मुझे अभी तक कोई काम वगैरह नहीं पड़ा है ना, तो मेरे हिसाब से मुझे ना डक्ट टेप का भी यहाँ पर कुछ काम वगैरह पड़ेगा। यहाँ मैंने एक पेंटिंग का पीस देखा था, बट वो जो पेंटिंग का पीस है ना वो मिल ही रहा था। ऑल राइट, तो एक और पेंटिंग का पीस मिल चुका है, इसको मैं बाद में आके लेता हूँ, क्योंकि अभी 2 मिनट तो हुए नहीं ना। चलो 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 चलो, मेरे हिसाब से नाना और जो नानी हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ से आएंगे, और 2 मिनट तो अभी हुए नहीं हैं, तो ज़रा सा मुझे जल्दी करना पड़ेगा। 3 चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर छोड़ दी है, और फटाफट से जाके अपना एक और जो चीज़ है, मतलब एक और पेंटिंग ले आता हूँ। वैसे एक पेंटिंग मुझे नहीं लग रहा कि अभी एक और पेंटिंग होगी, एक काम करता हूँ, तीनों की तीनों पेंटिंग को ना ऊपर लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। बस अपनी जो गन है ये यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या है? बोट की, बोट की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है ना कुछ भी, इसके अंदर नहीं है। चलो शॉर्ट गन इसके अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर ये मेरे हिसाब से मुझे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो कीड़ा वगैरह है वो यहाँ पर घूमता रहता है। बट इसमें ना मुझे ये सेफ की जो चाबी है ना वो यहाँ मिल जाएगी, जैसे कि लास्ट टाइम मिली हुई थी। नाना नानी जाग गए क्या? हेलो, नहीं जागे ना, ठीक है सोते रहो, सोते रहेंगे तो बढ़िया है मेरे लिए। ऊपर चलता हूँ मस्त, अभी यहाँ पर ना एकदम सेफ हूँ, क्योंकि अब ना वो ऊपर की तरफ तो आ ही सकते हैं, तो अपनी गन जो है यहाँ पटक देता हूँ, और अभी इनको लगाता हूँ। 2 पेंटिंग के पीस जो है मुझे मिल चुके थे, इसमें लगाता हूँ दोनों के दोनों पेंटिंग पीस को। ये वाला गेट है ना, हाँ चलो एक लग गया है, हाँ इसमें 3 ही लगेंगे यार, 3 ही लगेंगे इसमें तो। चलो एक तो नीचे की तरफ है, एक मैं अभी जाके लेके आता हूँ, मतलब मेरा जो काम है वो यहाँ पर हो चुका है। एक और बचा है बस, जो कि मुझे मिलेगा नीचे की तरफ, कोई है तो नहीं ना नीचे, गेट तो यहाँ पे बंद है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है मैं ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ, और जो नानी नाना जी है ना वो भी शायद अभी तक नहीं आए हुए यहाँ पे, तो फटाफट से अपना ये वाला जो मास्क का पीस है ना ये भी यहाँ पर लगा देता हूँ, और उसके बाद ये वाला शायद से सामने वाला जो गेट है ये यहाँ पर ओपन जो है हो चुका है। अभी मुझे पता नहीं है कि इसके आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब तक ना 2 एस्केप जो भी मैंने किए ना उसमें ये वाला जो गेट है वो अनलॉक नहीं हुआ, बट यहाँ पे अभी जो गेट है वो अनलॉक हो चुका है, इसके अंदर कुछ हो सकता है शायद। ऑल राइट, तो वेपन की यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, इस वेपन की से ना मैं अपना वो जो है ओपन कर लूँगा, यानी कि अपना जो शॉटगन है ना वो यहाँ से निकाल लूँगा। तो मेरे पास ना 2 गन हो जाएंगी, एक तो जो स्टन गन है ये यहाँ पे हो जाएगी, और जो दूसरी गन है वो हो जाएगी शॉर्ट गन, जिससे कि मैं यहाँ पे आसानी से एस्केप कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ना ये दादाजी का जो फोटो है ना, मतलब नाना जी का ये जो फोटो है, ये लगाने की ज़रूरत पता नहीं क्या थी, बिना इनकी फ़ोटो के भी ये वाला जो गेट है मतलब ओपन हो जाना चाहिए था, बट अभी मैंने फ़ोटो तो लगा ही दिया है, तो अभी यहाँ पे आगे की तरफ चलता हूँ, क्या होने वाला है अभी कुछ पता नहीं है मुझे। ऑल राइट, यहाँ पे कोई दूसरा दरवाज़ा ना हो, एक सेकंड, ये क्या चीज़ है? ऑल राइट, ये तो वाई सिटी की तरह शूटिंग रेंज करके है, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, ये भी यहाँ पर नहीं खुलेगा। अभी मैं इसका क्या करूँ?
यहाँ पे एमो निकल रही है और यहाँ पे शायद अनलिमिटेड एमो है, लेकिन ये ना शॉटगन की एमो है, यानी कि यहाँ पर मुझे जो है शॉटगन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो स्टनगन है वो नीचे की तरफ पड़ी हुई है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें जो है साथ में कैसे लेके जाऊँगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये काम करता हूँ, सबसे पहले तो ना यहाँ पे उन दोनों को बुलाता हूँ, लेकिन अब तक ना वो पता नहीं उठे भी होंगे या फिर नहीं उठेंगे। वेपन की जो है मुझे लेकर जानी है, वहाँ पर किधर मिलेगी मुझे, हाँ सेकंड फ्लोर पर मिलेगी मुझे अपनी शॉटगन। तो एक काम करता हूँ, इसको तो मैं नीचे की तरफ फेंक देता हूँ, ये जाएगी नहीं इतनी आसानी से। चली जा, अटक ना जाए, बस ये अटक गई तो परेशानी है मेरे लिए, ठीक है अटकी तो नहीं है। नाना नाना जी जो यहाँ पर है ना वो आने तो चाहिए, बट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कब तक आएंगे। स्टनगन जो है ना अपने हाथ में ले लेता हूँ मैं, आने तो चाहिए वैसे, मुझे पैरों की आवाज़ तो नहीं आ रही है कि वो आ रहे हैं। नीचे जाऊँ क्या? अगर नीचे चला गया और पीछे से एकदम से धप्पा कर दिया तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है ऑल राइट अभी आएंगे, आ जाओ। मुझे डर लगता है सच बता रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई नानी, आई सबसे पहले, ठीक है। तो नानी को तो मैंने लगा दिया है शौक जोरों का झटका, अब नाना जी का बस वेट है। नाना जी, अरे यार क्या ग्लिच है, इनका इंतज़ार है बस, ये और आ जाए। ये सामने के गेट से आएंगे क्योंकि उस साइड वाला जो गेट है ना वो अभी मैंने खोला नहीं है उस वाले रूम का, तो यहीं से ही आएंगे, बस मुझे ध्यान रखना है। ये आ क्यों नहीं रहा यार, अब तक बेहोश ही पड़े हैं क्या? ओ हेलो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ यार, बड़ा टाइम लगा रहे यार ये, नानी जग जाएंगे इतने में तो यार। मुझे उसकी चाबी भी लेके आनी है अभी तो। अरे यार क्या करूं अभी मैं, क्या कह रहा, अब तो आ जाना चाहिए यार। नाना जी कैमरे में देखूं क्या किधर है ये? आ जाओ आ जाओ, मेरे हिसाब से मुझे इस टाइप से वेट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे की तरफ चलना चाहिए, बट आगे की तरफ जाके करूंगा भी क्या, मेरे ऊपर की तरफ जो चाबी पड़ी है मेरी। अरे यार आ जाओ यार आ जाओ, सुना नहीं दे रहा शायद इनको। हेलो, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, आ जाओ मारी तो, आ जाओ। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं, सुना ही नहीं देता क्या, भैरे हो गए, कान में वो लगवानी पड़ेगी इनकी मुझे मशीन वगैरह। खैर मैं क्यों लगवाऊंगा, मैं क्यों अपने फालतू पैसे खर्च करूँ। किधर है? अरे यार ऊपर की तरफ थी वो चाबी। अरे नानी जगने वाली है जल्दी, किधर गई वेपन की? चलो 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 फटाफट से चलो, अभी नानी मिल गई ना रास्ते में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाना जी को तो मैंने सुला दिया है, चलो यहाँ पे तो नहीं है, और अगर मैं इसके अंदर घुस के एक बार वो निकालूँ ना फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है चलो, ये उठाई ये भरा इसमें, अभी मुझे जो है शूट करना पड़ेगा, शूट मुझे करना पड़ेगा इनको। ऑल राइट, और जो नानी है ना वो उनकी ना अभी मुझे जस्ट आवाज़ आई, वो राइट में कहीं है, वो राइट में गई है 100%। ये रही, आ जाओ, ये पड़ी, क्या मज़ा आ गया यार ऐसा तो, इसमें कहीं से भी दूर से भी पड़ जाती है। अभी नाना जी नहीं जगेंगे इतनी जल्दी, फटाफट से ऊपर जाके ना अपना वो जो काम है ना वो यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ, मतलब जो शूटिंग रेंज वाला जो गेम है ना, मतलब जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ। वो एक टाइप से गेम ही है शूटिंग रेंज की बात की जाए तो, बस यहाँ पे वो नहीं आ सकते ना, बस मुझे इसी बात की शांति है। और ये वाला जो गेट है ये भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना ये जो है गोल गोल घूम रहे हैं। चलो 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 अभी होगा यहाँ पे, इनको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? ए भाई
ठीक है, कैसे मारूं? शिट, ये नहीं पड़ी, यहाँ ऊपर तो आएंगे नहीं, बस मुझे ध्यान रखना है। ये क्या पूरी गन ही घूम रही है? अरे भाई बड़ा मुश्किल है इनको तो मारना। अरे फुल है, चलो इसे ज़रा पैटर्न जो है समझ लेता हूँ मैं, पैटर्न आखिर में है क्या इसका। गई, ये भी गई, ठीक है अभी इसकी बारी, बस नहीं गई। अरे हमें ख़त्म हो रही हैं, चलो ये गई, गेट ओपन हो गया। चलो ये वाला जो गेट है ये भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, एमओ भर लेता हूँ भाई मैं, रास्ते में पीछे पड़ गई ना, मतलब नानी आ गई ना यहाँ पे, तो अच्छी प्रॉब्लम है। ये क्या चीज़ है? आई नीड अ ग्लास फ्यूज, ग्लास फ्यूज शायद से मैंने नीचे की तरफ लिया हुआ था ना, ये क्या? एक सेकेंड, नहीं गेट तो लग गया। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक ग्लास फ्यूज की ज़रूरत है, ग्लास फ्यूज लेके आता हूँ। ग्लास फ्यूज ना नीचे की तरफ ही पड़ा है, मेरे पास गन भी है, दो दो गन है, तो मेरा कोई यहाँ पे भी एमओ पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे ना ऊपर की साइड काफ़ी एमओ एमओ है। ग्लास फ्यूज वही वाला है, ठीक है यहाँ पे गेट खुले हुए हैं, ध्यान से आप ले लो, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, पहली फुर्सत में चल लो ऊपर। नाना जी को तो जो है मैंने टपका दिया है। ग्लास फ्यूज, एक गन ऊपर पड़ी है, एक गन नीचे है। चलो 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 चलो, मेरे हिसाब से जो हेलीकॉप्टर एस्केप है इसको ना मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा। ग्लास फ्यूज ये लगाया, अभी यहाँ पर जो लाइट है ये भी यहाँ पे जल चुकी है, और ये क्या चीज़ थी? एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी टाइप का ट्रैप था ये, अगर मैं यहाँ पर वाली लाइट जलाता नहीं ना तो शायद से मैं यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता था, ऐसी कुछ चक्कर होगा। खैर यहाँ पर मैं शायद से हेलीकॉप्टर के पास आ चुका हूँ, बट ऑल राइट, ये वाला गेट था, समझ गया। चलो शॉर्टकट मिल चुका है मुझे, इतना लंबा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे इसकी पंखड़ी टूटी हुई है यार, अब पंखड़ी का मैं क्या करूँ? आई नीड टू फिक्स दिस विथ दिस रोटर ब्लेड, अब इस ब्लेड को कैसे ठीक करूँ ये तो मुझे पता नहीं है। इसके अंदर फ्यूल भी डलेगा क्या? ऑल राइट, मतलब मुझे गैसोलीन भी चाहिए पड़ेगा, यानी कि मुझे जो है सेफ में से निकालना पड़ेगा, यानी कि उसको मुझे मारना पड़ेगा, इतना पक्का है। इसके अंदर मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है मैं बैठ चुका हूँ, इंजन स्टार्ट अभी होगा नहीं। चलो मतलब मुझे अभी तीन चीज़ें और चाहिए, मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब हेलीकॉप्टर एस्केप करना भी इतना आसान नहीं है। इस साइड में तो नहीं है कुछ, तो इस साइड में तो नहीं है, ये तो मुझे लाइक एक वाई सिटी में जो हेलीकॉप्टर मिलता है ना उसी टाइप का लग रहा है, काफ़ी ख़तरनाक हेलीकॉप्टर है। लेकिन ये अभी मुझे कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, तो वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ चलता हूँ, और ये वाला गेट तो मैंने ओपन कर ही लिया है, अभी अपनी वाले जो गन है इसको लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें जो है ढूंढनी पड़ेंगी अलग अलग। ये शॉर्ट गन है वो तो यहाँ पे पड़ी हुई है नीचे की तरफ, एक सेकेंड, नानी है यहाँ पे, आ जाओ नानी तुम्हारी बारी, आ जाओ, चलो हट जाओ यहाँ से, हम मुझे अब काम करने दो मुझे अपना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ जो चीज़ें हैं वो तो मुझे चाहिए है। अब ना यहाँ पे भी जो एमओ है ये मिलने लगे हैं, ठीक है डोर लॉक, इसका कुछ काम नहीं है, बस मुझे नाना जी से जो है बच के रहना होगा यहाँ पे, और मेरा जो काम है वो यहाँ पे आसान है। इसके अंदर क्या है? पैडलॉक, किसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बोट एस्केप और उसके काम ही आएगी बस। यहाँ पर तो नहीं है ना ये, ठीक है यहाँ पर नहीं है, इसमें देखने पड़ेंगी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, इसमें भी नहीं है, कोई आता नहीं जाना, ठीक है इसमें भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है कोई आ ना जाए बस, इसलिए तो मैं दोनों को पहले टपका देता हूँ, जिससे कि बाद में जो है किसी बात की जो है झंझट ही ना हो। चलो इसके अंदर से जो ब्रांच है वो तो मुझे मिल चुकी है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर हेलीकॉप्टर मैनुअल थी, इसका क्या करूँ, इसको मुझे हेलीकॉप्टर मैनुअल चाहिए पड़ेगी, तो इसको मुझे लेके जाना होगा नीचे की तरफ, क्या करूँ इसको बाद में आके लेता हूँ। चलो एक सेकेंड, नाना जी आ गए, आ जाओ, बस आपकी देर थी, अब मुझे वो तो दे दो मेरा, अरे ये तो दे दो, ये दे दो बस, अभी मैं इसको लेके जा सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किधर गई? ये रही हेलीकॉप्टर मैनुअल, ऑल राइट हेलीकॉप्टर मैनुअल जो है मुझे मिल चुकी है, चलो मुझे उसे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं थी,
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ नहीं। अरे हट जा यार, पैरों में मत बिद मेरे। सेफ में से मुझे गैसोलीन मिलेगा, बट यहाँ पे कुछ और मिल जाए। टीवी वाला रूम है, इसके अंदर तो कुछ मिलेगा नहीं। इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ है नहीं। यहाँ पर वो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरी काम की जो है कोई भी चीज़ जो है लग नहीं रही है मुझे। इसके यहाँ पर देखूँ, इसके यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर उसको कैसे फिक्स करूँगा, पहले तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको कैसे फिक्स किया जाए। इसके अंदर क्या था, खाली है यार। क्रोबार का कोई यूज़ है नहीं, ना नहीं यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके अंदर भी नहीं है कुछ भी। इनके अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद से कुछ मिल जाए। नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर कितनी चीज़ें पड़ी है, हेलीकॉप्टर की पड़ी है यहाँ पे, और शॉटगन पड़ी है। मतलब हेलीकॉप्टर की तो मेरे पास है, और मेरे पास रेंच भी है, यानी कि मुझे पता है कि गैसोलीन मुझे कहाँ से लेके आना है। अब बस मुझे उसको ना पंखड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जिससे कि मैं उस पंखड़ियों को जोड़ पाऊँ और उनको जो, एक सेकेंड नानी हट जाओ, अब हट जाओ रास्ते में नहीं। हाँ हट जाओ। ये खुलता है क्या, एक सेकेंड ही खुलता है, पर इसके अंदर कुछ है नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है कुछ भी। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ है क्या। चलो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं ना, तो गैसोलीन ही ले लेता हूँ, गैसोलीन यहाँ पर ले लेता हूँ फालतू टाइम पास ना करते हुए। गैसोलीन के लिए मुझे ऊपर से जो रेंच है वो लेके आनी पड़ेगी फटा। एक सेकेंड, नाना जी भी जग गए। ओ हेलो, यहाँ जाओ, ये लो खाओ ये, और अभी सो जाओ कुछ टाइम के लिए। रेंच किधर थी, इधर थी। चलो रेंच लेके वहाँ पटक देता हूँ मैं, और उसके बाद जो मीट है वो भी लेके पटक दूंगा वहीं पे, जिससे कि थोड़ी सी आसानी होगी। रेंच तो पटक दिया मैंने यहाँ पे, मीट को ना मैं यहाँ के पटक दूंगा, जिससे कि मुझे बार बार दो दो बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नाना नानी है ना, ये दोनों के दोनों ना दिमाग खा लेते हैं मेरा। ऑल राइट, मीट भी जो है मुझे मिल चुका है। मेरे हिसाब से जो नानी है ना, अभी वो आएगी, मेरा जो डे फोर है वो ख़त्म करेगी, क्योंकि इससे इसको ना मैं यहाँ पटक देता हूँ, क्योंकि लास्ट बार ना मैंने उसको अंदर की तरफ पटका था और मेरे साथ खेल हो गया था। मतलब कि वो जो है वहाँ से गायब भी हो गया था, मुझे बार बार जो ऊपर आके लेना पड़ रहा था। चलो अभी सही है, अभी थोड़ा सा सेफ हूँ मैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आएगी तो मार दूंगा दोनों को यहीं से। इसको ना मैं यहाँ ढक रखता हूँ, इस गन को मैं रखता हूँ यहाँ पे, अभी सही है। अरे चलना अभी, क्यों क्या भाई। अरे चलो, ये उठाई मैंने रेंच, और सबसे पहले तो उसका जो पानी है ये खाली कर देता हूँ, और यहाँ से वाली जो की है वो निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा। हाँ हाँ सही है, पानी हो गया गायब। उसको ना मैं उस मकड़ू को ना लाइक इंजेक्शन भी लगा सकता हूँ, मतलब इतना तो मुझे पता चल गया है कि उसे अभी जो है किस टाइप से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। अरे ये वो गायब हो गया, मैं जिसका डर था वही हुआ, वो गायब हो गया, मतलब जो मीट है वो गायब हो गया। अभी जो मीट है वो मुझे फिर से लेके आना पड़ेगा, और ये मेरे पास तो नहीं आएगा। चलो आ गई नानी, ये ले। अभी नाना जी आएंगे थोड़ी देर में बस। नाना जी हो सकता है मुझे यहीं पे कहीं मिले, बट उससे खैर पहले। अरे मीट किधर गया, इसके अंदर होगा। अरे बस 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 बस, मुझे उसको लेके आ जाना है, और नाना जी हैं मुझे ना मिले तो ही बेटर है, क्योंकि नाना जी के भी जगने का जो टाइम है वो हो चुका है। इसको ज़रा मुझे इसका ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, कुन्ने कुन्ने से जाके ना इसके प्लेट में रख दूंगा तो ज़्यादा बेटर है। रख दे भाई, तू खा ले और मुझे जाने दे बस। मैं यहाँ से अपनी सेफ की लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। बस बस मुझे कुछ करियो मत बस मुझे, मैं चला जाऊँगा। मैं चला गया, बढ़िया। नाना जी नहीं है ना। ऑल राइट, नाना जी ना मिले। इधर है, शिट 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 शिट, बच गया मैं।
बच गया, उसने देख नहीं पाया मुझे। देख लिया क्या? मुझे डर लग रहा है, देख लिया उसने शायद, नहीं देख पाया, बच गया, बाल बाल बच गया। चलो अभी उस सेफ को खोल के ना मैं उसके अंदर से जो गैसोलीन है वो यहाँ पे निकाल देता हूँ। गया ना ये? ठीक है बुड्ढा गया। छुपो 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 छुपो, बच गया। अब यहाँ पर ना मुझे बस ऐसे करते चलना होगा जब तक मैं थर्ड फ्लोर पर नहीं पहुँचा था। मेरे हिसाब से मैं ना अभी मरने वाला हूँ, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई गन नहीं है मेरे पास। ठीक है ऑल राइट ऑल राइट। एक सेकेंड, ये आ गया। नानी ना आ जाए बस। चलो ICU करके भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगा ये। आ जा। ये नानी को भी नानी बोलता है बा, भाई बोलना चाहिए इसको कम से कम। अरे यार क्या करूं मैं, ये नानी को क्यों बुला रहा है यार? लगता है इसने नानी को इसलिए बुला लिया है क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैं जो है इसी फ्लोर पर हूं। ये ना राइट साइड में है, मैं निकलना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जैसे निकलूंगा वैसे मुझे ये मार देगा, बट मैं ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता, मुझे यहाँ पर निकलना चाहिए। एक सेकेंड, नानी नानी नानी, शेट 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 शेट, बुड्ढा ना हो रहा हो, यहाँ से नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था भाई, हुआ मतलब ये थर्ड फ्लोर जो है खाली है, थर्ड फ्लोर पर कोई नहीं। इसका बैट जो है मुझे दिखाई दे रहा है, किस साइड में जाएगी बैट, किधर गया इसका? हाँ निकल इधर से शांतिपूर्वक, इधर जाएगी और मैं सेट जाऊंगा। बस गई ना, बस बस आराम से ऊपर अपना जो गैसोलीन है ये पिकअप करूंगा। बढ़िया, बुड्ढा तो नहीं आ रहा ना। बस एक सेकंड, ये क्या कर रहा है इधर? शेट 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 शेट, ये क्या कर रहा था इधर? ऑल राइट बच गया मैं फिर से। मुझे पता होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी रूम वाले में बैठा होगा ये। अभी गैसोलीन एक काम करता हूँ, उसमें भर के जाता हूँ, वहाँ से जो है शॉर्ट गन निकाल लूँगा मैं। नानी को मत बुला, मुझे निकलने दे इधर से। अबे नहीं नहीं, ग्लिच नहीं, ग्लिच नहीं, बच गया बच गया बच गया बच गया। बस शॉटगन किधर है मेरी? शॉटगन भी नीचे पड़ी हुई है। खैर सबसे पहले उसके अंदर जो फ्यूल है ये भर देता हूँ। हेलीकॉप्टर की मैनुअल जो है वो भी मैंने पिकअप कर लिया है। ऑल राइट पूरा का पूरा फ्यूल टैंक ही भर दूंगा। कम से कम फ्यूल तो भर के रखना चाहिए ना इन लोगों को, फ्यूल भी भर के नहीं रखते हेलीकॉप्टर में, इससे कोई भाग ना पाए। इसको यहाँ पटक देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है किसी को भी जो आवाज़ है वो नहीं आने वाली है, और यहाँ पर कोई ऊपर की तरफ भी नहीं आ सकता है। एक काम करता हूँ, अभी ना एक आध एमओ यहाँ से ना उठा के लेके चलता हूँ। मिलेगी क्या मुझे? नहीं, शॉटगन के अंदर ही भरेगी सीधी सीधी जाके। गेट बंद है? नहीं है। ऊपर 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 ऊपर, सीधा सीधा सीधा, बढ़िया। किधर थी एमओ? एमओ थी यहाँ पर। चलो अभी बताऊंगा मैं इनको। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर मैंने लाइक फ्यूल्स के अंदर भर दिया है, चाबी मेरे पास है ही, अब बस मुझे इस पंखड़ी को जोड़ना है। पंखड़ी को जोड़ने के लिए ना मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टाइप से मैं इस पंखड़ी को जो है जोड़ सकता हूँ। ऑल राइट तो मुझे अभी यहाँ पर इस पंखड़ी को जोड़ना है बस, और यहाँ पर इन दोनों को मुझे देखते रहना पड़ेगा। पता है वाली गन है ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एमओ होते हैं, और अगर एक आध जो एमओ है मिस हो गया ना तो यहाँ पे बड़ा ही झंझट वाला काम है। एक सेकेंड, यहाँ घंटी बज गई, यानी कि वो दोनों के दोनों यहीं पे आएंगे, और मेरे हिसाब से ना वो दोनों के दोनों जो है यहीं से ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर तो रास्ता बंद है। इनका वेट करना पड़ेगा बस, ये वाला रूम खाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, इन दोनों को जो है निपटाई देता हूँ मैं, हटाओ, क्योंकि मेरी जो शॉटगन है ना, मतलब जो स्टन गन है ना, वो भी वहीं पर ही पड़ी हुई है।
वैसे आएंगे तो उस जीने से ही ना आ गए। आ जाओ ये खाओ, मज़ा आया। अभी नानी आ गई, नानी आप भी आ जाओ ये खाओ। बढ़िया, दोनों को निपटा दिया मैंने। ये ना मुझे ज़रूर नीचे की तरफ देखने गए होंगे ना। चलो ये दोनों में भरी मैंने लोड। अब मुझे चाहिए मतलब मैं सेफ की चाबी तो ले ही आया, मुझे यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। इसको तो मैंने देख ही लिया, इसको भी मैंने देख लिया। ये क्या है, डक टेप। एक सेकेंड, डक टेप से क्या वो पंखड़ी जुड़ सकती है क्या? डक टेप से पंखड़ी जुड़ना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। जुड़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो भी अच्छी बात है। मतलब तो कैसे अच्छी बात है, तो अच्छी बात नहीं है। काम करना ही नहीं, मैं काम करता हूँ अपनी जो स्टन कर ना वो मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इसको यहाँ पटकता हूँ मैं, और अभी अपनी इस गन को लेके आ जाता हूँ मैं वहाँ पर, जिससे कि अगर ये दोनों के दोनों जग भी गए ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हेलीकॉप्टर की भी पड़ी है, काम करता हूँ। चलो हेलीकॉप्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना की के मैं यहाँ से ना एस्केप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको इस टाइप से डाल देना होगा। और अभी जाना होगा यहाँ नीचे की साइड, अभी इसको इसको भी लेके ऊपर की तरफ डाल देता हूँ, जिससे कि कोई परेशानी होगी नहीं। अगर मुझे फिर से अभी नीचे की तरफ जाना हुआ ना तो यहाँ पे ये जो गन है मेरे काम आ जाएगी। बस अभी इस डक टिप को मैं उठा के आराम से जो है ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। चलो इसको एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, चिपक जाए तो अच्छी बात है, नहीं चिपकी तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, और चीज़ें जो है ढूंढनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये तो एक ही बार में चिपक गई पूरी की पूरी। चलो अभी ना मैंने सब कुछ तो कर ही दिया, अब चाबी लेके आता हूँ। बस चाबी लेके मेरे हिसाब से मैं जो है यहाँ पे एस्केप कर लूँगा। चाबी मैं ऊपर की तरफ ले आया था, ये रही। इसमें बस जो है मुझे चाबी लगाना है और यहाँ पे काम ख़त्म। चलो 1, 2 एंड 3, बस अभी इंजन जो है स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑल राइट, इंजन स्टार्ट हो चुका है, बट मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं? अपने आप चलेगा क्या? ठीक है, तो ये अपने आप ऊपर की तरफ जा रहा है। एक सेकेंड, ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो नाना नानी जो है ऊपर की तरफ कैसे आ गए, क्योंकि वहाँ से तो ये आ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और शायद से मेरा जो हेलीकॉप्टर वो एस्केप। ऑल राइट, मुझे लगा क्रैश ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एस्केप है ये भी जो है मैंने कर लिया है। खैर ये वाला जो हेलीकॉप्टर एस्केप था ना ये काफ़ी झंझट वाला था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर कलेक्ट करनी पड़ती हैं, आइटम कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये जो हेलीकॉप्टर एस्केप है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट आज जो मैंने इस गेम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने इस गेम के जो है सारे के सारे जो एस्केप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट डोर एस्केप, बोट एस्केप और हेलीकॉप्टर एस्केप। तो अगर आपको ये सारे के सारे ये जो गेम है और सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं, सारे के सारे जो एस्केप हैं, वो अगर आपको पसंद आएगा तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप की जो वीडियोस हैं इस चैनल पर सबसे पहले मिल पाएंगी। और मैं आपको हमेशा की तरह मिलूंगा किसी और बढ़िया सी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिएगा।